जनरेटिंग स्टेशन हैज एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 50 मेगावाट एंड डिलीवर्स 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 यूनिट्स पर एनम। इफ द एनुअल फिक्स्ड चार्जेस आर रुपीज 160 पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी एंड रनिंग चार्जेस आर 4 पैसे पर किलोवाट आर, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। ऑप्शन ए है 7.2 पैसे, ऑप्शन बी है 7.4 पैसे, ऑप्शन सी है 7.6 पैसे, ऑप्शन डी है 7.8 पैसे। सो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। हमें गिवन है इंस्टॉल कैपेसिटी 50 मेगावाट और टोटल यूनिट जनरेटेड पर एनम है 250 इंटू 10 रेज़ पावर 6 यूनिट्स। फिक्स चार्जेस है हमारे पास, वो एनुअल ही है रुपीज 160 पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी और रनिंग चार्जेस है हमारे पास 4 पैसे पर किलोवाट आवर। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड कैलकुलेट करना है, तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए और उसे हम टोटल यूनिट जनरेटेड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास टोटल यूनिट जनरेटेड है 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 यूनिट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पर एनम है और जो फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस ये भी एनम में ही है, तो हमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट में हमें फिक्स चार्जेस भी चाहिए और रनिंग चार्जेस भी चाहिए, तो यहाँ पर हम फिक्स चार्जेस प्लस रनिंग चार्ज इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम पहले फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। फिक्स चार्जेस इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 160 पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, सो 160 पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कैपेसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे 50। अब यहाँ पर हमें पर किलोवाट है, तो हमें जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो मेगावाट में गिवन है उसे हम किलोवाट में कर लेंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 करेंगे और किलोवाट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए किलोवाट किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिक्स चार्जेस, पर ये रुपीज में होगा, रुपीज 160 है, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा फिक्स चार्जेस जो कि पैसे में होगा। तो 160 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 पैसा। अब हम रनिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर रनिंग चार्जेस गिवन है 4 पैसे पर किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इक्वल टू होता है यूनिट्स और हमारे पास यूनिट्स है 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा किलोवाट आवर, यूनिट्स मतलब किलोवाट आवर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रनिंग चार्जेस इक्वल टू आ जाएंगे 4 इंटू 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये ऑलरेडी पैसे में चल रहा है, तो यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। इससे हमने रुपीज से पैसे में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे जो आंसर हो वो पैसे में, अगर आंसर रुपीज में रहते तो हम रुपीज में यहाँ पर कैलकुलेट करते, अगर हमें रुपीज में कैलकुलेट करना पड़ता तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। तो चलिए फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस की एडिशन कर लेते हैं और उसे हम 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिक्स चार्जेस है 160 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस रनिंग चार्जेस है हमारे पास 4 इंटू 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 6 को हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर एक जीरो भी है, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 इंटू 5 80 हो जाएगा प्लस 25 इंटू 4 100 हो जाएगा डिवाइड बाय 25 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 25। 7 से डिवाइड करेंगे तो 175 आ जाएगा, पॉइंट देंगे। अब यहाँ पर 5 बचा है, पॉइंट से हो गया यहाँ पर 50, 25 इंटू 2, सो आंसर आ जाएगा 7.2 पैसे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 7.2 पैसे।